मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू मूलीज डेली लाइफस्टाइल। मैं मेरी डेली अपडेट्स लेके आ गई हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह आई हूँ बेटी के स्कूल में, टास्क करके ये कॉपीज जमा किया था तो वही लेने आई थी आज। और मैं आपको स्कूल का टूर करवा रही हूँ। ये है प्लेग्राउंड मेरी छोटी बेटी का, और ये है स्कूल बिल्डिंग। जितना भी आप दूर दूर तक देख रहे हो, ये सब स्कूल बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग पे मेरी बेटी पढ़ती है। और देखिए, स्कूल ऐसा है। और ये है एंट्रेंस, ये गेट है, दोनों गेट है एक। और देखिए, इतने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर फिर प्लांट्स था ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा कैप्चर किया। बहुत तरह के फ्लावर थे यहाँ पे और पौधे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ, तो थोड़ा ही कैप्चर कर पाई मैं जल्दी जल्दी में। देखिए कितने सारे, और बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। और रोज़ ना बहुत बड़े साइज में रोज़ था, ये रोज़ बहुत बड़ा बड़ा था। तो मैं जूम कर, मतलब सामने जाके नहीं कैप्चर कर पाई, जूम करके दूर से ही किया। देखिए, और ये रेड सबसे बड़ा था। तो अभी घर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टैप से कैसे पानी निकल रहे हैं। आपने तो देखा पानी का क्या हालत है। तो ऐसे पानी में अगर हम नहाएंगे, आपको पता है ये ही पानी हम पीते हैं, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं ना। और हमें क्या भूल हुआ है पता है? घर हमने अच्छे से देख के नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने देख के लिया ये घर, कुछ जांच पड़ताल कुछ भी नहीं किया। हर दिक से पूरा ठीक ठाक है, लेकिन मतलब ठीक ठाक है, चलने के जैसा हो जाता है, लेकिन पानी का इतना प्रॉब्लम है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। ये पानी का प्रॉब्लम आपको पता है, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि पानी पीने के लिए आप अगर गलत पानी पीते हो तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आपका हेयर स्किन सबके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो वैसा ही हमारे साथ हुआ है। सोच रही हूँ, जब भी सोच रही हूँ कि दूसरा घर लूँगी, पता नहीं कैसे क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैं अभी डिटरमाइंड हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर मुझे ये घर छोड़ना ही है। इधर आने के बाद ना पूरा कितनी टाइम मैं बोलूँगी आपको जाके कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कितना टाइम बोलना पड़ेगा? आप बोलिए, आप तो फेड अप हो जाओगे ना बोलते बोलते। अगर वो काम होता है तो अलग बात है, अगर नहीं होता है तो कितना टाइम बोलूँगी। तो यही है, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। और अभी तक नहीं नहाया, बेटी ने घर को झाड़ू लगा दिया है। और ये आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि ये जो ऊपर में ना पूरा मेस्ट था, ये ऊपर में पूरा मेस्ट था। तो छोटी बेटी और बड़ी बेटी उठ के, मैं तो उठ नहीं पाती हूँ, तो छोटी बेटी बड़ी बेटी उठ के ये सब कुछ अच्छे से किया है उसको। ये सोफे को ना ये खिड़की के साइड से लेके इधर तक, इधर लेके आए हैं, वो खिड़की के साइड में था ये सोफ़ा, तो इसको इधर रखा है। और उधर जो वो स्टडी टेबल है ना, उसको थोड़ा सा रख दिया है, जब वो चाहिए होगा तब उसको निकाल लेंगे, तब तक वो बुक्स सेल्फ मतलब वो बैग वगैरह उसमें रखा है। और इधर कुछ भी नहीं रखा है। इधर एक ये जो रैक है, मतलब ये कपड़े टांगने का जो ये रैक है वो रखा है। और इधर ये लैपटॉप वगैरह रखने का ये टेबल है, बस यही। और ये आज दोनों बेटी ने मिलके पूरा साफ़ किया है, क्योंकि कल से बेटी का पूरा सुबह से लेके दोपहर तक पूरा स्कूल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आज कर लिया मैंने। आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। और अभी दोपहर में लंच में बनाई हूँ बैंगन फ्राई, रोटी, बटर मिल्क यानी कि छाछ, दही का छाछ जो होता है ना वो बनाई हूँ, और क्यूकम्बर। जल एसेछे किंतु तो नोंरा, पानी नहीं था लेकिन पानी आया है, बहुत गंदा रहता है, दूसरे दिनों में भी गंदा रहता है। लेकिन मतलब कितने टाइम आपको दिखाऊँ, कितना टाइम एक जगह पे रख के आपको दिखाऊँ, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे
ऐसा ही होता है। और क्या होता है ना, सेकंड फ्लोर में है और हमें ना ऐसे पानी भर के ऐसे ऊपर चढ़ने की हमें आदत नहीं है और हमारा शरीर देता नहीं है। ये पानी पी के तो हम मर रहे हैं, लेकिन जब वो पानी नीचे से ऊपर उठाने जाएंगे ना, कहीं से लेके आएंगे और हमारे पास स्कूटी भी नहीं है, और पानी अगर ऊपर तक चढ़ाएंगे ना तो हम मतलब और भी ज़्यादा मर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लंच है, ये रोटी, यहाँ पे सैलड, यहाँ पे है बैंगन फ्राई, और ये है बटर मिल्क छाछ यानी कि छाछ, और ये है बड़ी बेटी का खाना, और ये है छोटी बेटी का खाना। ये है आज का हमारा लंच। लंच करने के बाद आप लोगों से बातें करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और रिफाइंड ऑयल दिया था, और इसके अंदर मैंने बड़ा इलायची, छोटा इलायची, ये स्टार अनीस, फिर लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी दे के इसको थोड़ा सा चलाया, और उसके बाद चॉप्ड अनियन डाल दिया और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी इसके अंदर मैं जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। मसाला जब अच्छे से भून जाए उसके बाद इसके अंदर मैं सारे पाउडर मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। तो अभी मैंने टमाटर दिया है कटे हुए, और इसे अच्छे से भून लूंगी थोड़े देर के लिए। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी, ये हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दिया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, फिर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर होने के लिए, और ये जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने। और इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मतलब कच्चे मिर्च को, मतलब हरी मिर्च को काट के डाल दिया है, थोड़ा सा कर्ड ऐड किया है इसमें, और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये भूनने के बाद जब ये अच्छे से भून जाए, उसके बाद मैंने इसमें मशरूम ऐड कर दिया है, और मशरूम को भी ये मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी इसके अंदर मैं डालूंगी चावल, और ये है थोड़ा सा गरम मसाला यानी बिरयानी मसाला बोलते हैं, ये होममेड मैंने बना के रखी थी वही डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूंगी, पहले से ही धो के रखी थी चावल को, तो ये चावल मैंने डाल दिया, और नॉर्मल चावल के साथ ही मैं बना रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर दे दूंगी और थोड़ा सा बिरयानी एसेंस दे दूंगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग अभी नमक डाल दिया है, और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अभी मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, अपने मेजरमेंट के हिसाब से, जितना मैंने चावल दिया उसके हिसाब से पानी, गर्म पानी ऐड किया है, और इसे अभी लीड बंद करके छोड़ देंगे पकने के लिए।
तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे चीज़ों को अच्छे से। फिर इसका लीड बंद कर देंगे। तो देखिए बन के रेडी है हमारा मशरूम बिरयानी।